बुरहानपुर जिले में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने आज रेणुका मार्ग स्थित कृषि उपज मंडी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मंडी में पड़ी गंदगी को लेकर नाराजगी जताई और मंडी सचिव को मंडी में साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मंडी सचिव को मंडी परिसर में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए। इसी कड़ी में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील हैं, इसलिए उन्होंने सोयाबीन पर 4,900 का समर्थन मूल्य देने की घोषणा की है। इसके आगे उन्होंने बताया कि मंडी की आय को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है और किसानों को किसी प्रकार से नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट। मंडी निरीक्षण करके जो किसानों का माल क्या स्थिति है, किसानों को क्या डिमांड है, उन बातों को लेकर किया गया है। और यहाँ पर पानी को लेकर जो है फिल्टर लगा है, बाकी किसान कह रहा है कि पानी ठंडा मिल रहा है। शौचालय की व्यवस्थित है, एक कांटा जरूर बंद पड़ा हुआ है, CCTV कैमरे बंद पड़े हैं और CCTV कैमरे का कोई फॉल्ट होने की वजह से वो कैमरे बंद पड़े हैं, तो उसको भी अभी एमडी से बात करके CCTV कैमरे चालू हो। सुरक्षा के दृष्टि से जो भी कुछ कमी बेसी होगी उस कमी बेसी को दूर किया जाएगा और किसानों की मंडी है, किसानों के हक और अधिकार के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत अभी तक कोई दिखाई नहीं। कि बहुत सारे किसानों से चर्चा भी करी, किसानों का कहना पड़ा कि नहीं व्यवस्थित है, कोई दिक्कत नहीं है।